फिल्म चांदनी की शूटिंग जारी थी। ऐसे में ऋषि कपूर फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा के ऑफिस गए तो वो बड़े इनहमा के साथ डायरी में कुछ लिख रहे थे। जब यश चोपड़ा उठकर बाहर गए तो ऋषि कपूर से रहा न गया। उन्होंने डायरी देखी तो हर सफ़े पर लिखा था हेल्प मी गॉड। तब ऋषि कपूर को अंदाज़ा हुआ कि यश जी कितने बड़े माली बहरान से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी पिछली काफ़ी फिल्में उनके लिए नुकसान का बाइस बनी थी। इसलिए एक्शन फिल्मों का दौर होने के बावजूद म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म चांदनी का हिट होना इंतहाई ज़रूरी था। यश चोपड़ा फिल्म चांदनी को बना भी दिल से रहे थे, जिसके लिए वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने को भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने चांदनी का किरदार रेखा को ख्यालों में समाकर तख्लीक किया था, फिर भी इस खदशे के तहत के शायद रेखा ऋषि कपूर के साथ ना जचें, उन्होंने रेखा का ख्याल दिल से निकाल कर श्रीदेवी को कास्ट कर लिया। क्योंकि चांदनी एक मिडिल क्लास फैमिली का किरदार था, इसलिए बहुत सी जगहों पर श्रीदेवी को सफ़ेद सूट में इंतहाई सादा दिखाया गया, पर फिर भी वो बला की हसीन नजर आई। इस फिल्म में विनोद खन्ना का श्रीदेवी को बचाते हुए एक एक्शन सीन भी था, जिसे यश चोपड़ा ने हटाकर उसकी जगह फिल्म की कहानी से मैच करता सादा सा सीन रखा, क्योंकि ये सीन सॉफ्ट और मुलायम सी फिल्म में मुंह का जायका ख़राब करने जैसा लग रहा था। किसी जगह भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा था। कंप्रोमाइज़ ना करने का खमियाजा यश चोपड़ा को उस वक्त उठाना पड़ा जब फिल्म मुकम्मल होने पर डिस्ट्रीब्यूटर ने यह कहकर फिल्म के पैसे रिड्यूस करने को कहा कि फिल्म में विनोद खन्ना के होते हुए कोई एक्शन सीन नहीं है। पब्लिक इस बात को हजम नहीं कर पाएगी। जिस पर यश चोपड़ा ने कहा कि ठीक है, मैं पैसे रिड्यूस कर देता हूँ, पर अगर फिल्म हिट हो गई तो मैं कमीशन ज़्यादा लूँगा, जिस पर बात डन हो गई और वो डिस्ट्रीब्यूटर जुबान का पक्का निकला। इस तरह वो फिल्म जिसके प्रीमियर पर उसे यश चोपड़ा की एक और फ्लॉप कहा गया और कोई इस फिल्म के लिए सिनेमा घर देने को भी तैयार नहीं था, मगर फिल्म चांदनी उस साल की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म चांदनी की कामयाबी ने ये साबित किया कि दौर चाहे एक्शन फिल्मों का हो या रोमांटिक फिल्मों का, अगर फिल्म की कहानी को पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे स्क्रीन पर मुंतकिल किया जाए तो कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है।